तीन प्रकार से कर्म का फल मिलता है ना। एक है पाप करेगा तो उसका फल इस जन्म में मिलता है, दूसरा क्या है अगला जन्म में पीछे पीछे पाप और पुण्य का कर्म करेगा तो पहला इस जन्म में मिलता है, दूसरा मरने के बाद मिल जाता है, तीसरा क्या है? तीसरा है संसार में कभी भी कोई ना कोई जन्म में किसी भी समय पर मिल जाता है। पुण्य करेगा तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। पाप करेगा तो दुख मिलता है। तो इसी प्रकार एक बहुत दुखी का बहुत दर्दनाक एक सत्य कथा है, वो हम अभी आप लोगों को बता देंगे। भगवान बुद्ध गांव गांव जा करके सारे लोगों को ज्ञान बताने के बाद पूरे भारत में हर जगह सभी लोग भगवान बुद्ध की रास्ता पे आ गया। क्यों? क्योंकि उसी में सत्य है। सत्य कभी छुपा सकता है? सत्य भी नहीं छुपा सकता है, झूठ भी नहीं छुपा सकता है। झूठ भी पता चलता है झूठ है, सत्य भी पता चलता है सत्य है। तो भगवान बुद्ध की रास्ता पे इस बिहार के सारे लोग गए हैं, उत्तर प्रदेश के पूरे इंडिया में सभी लोग भगवान बुद्ध की रास्ता पे गया। दूसरे धर्म के लोग अंधविश्वास पूजा पाठ सब छोड़ के मन पवित्र करके जीने के लिए भगवान बुद्ध के रास्ता पे आ गया। आने के बाद क्या हुआ? दूसरे मंदिर खाली हो गया, दूसरे बाबा लोग प्रवचन देता है। भगवान बुद्ध से पहले बाबा लोग से प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग हैं। जब भगवान बुद्ध की ज्ञान हर जगह फैल गया तो बाबा लोग का ज्ञान सुनने के लिए 5, 10, 15 लोग हैं। इसीलिए मंदिर का लाभ कम गया, मदद कोई नहीं देता है। अंत में क्या हुआ? सारे दूसरे धर्म के लोग एक जगह इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होके चर्चा करने लगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? ये भगवान बुद्ध अपना माया जादू दिखा के सारे लोग अपना वश में कर लिया। अभी हम लोग से ज्ञान सुनने के लिए कोई नहीं आता है। अभी हमारा आश्रम में कान पान भी सही ढंग से नहीं है। और एक दूसरे धर्म के एक बाप बताया, मेरे चेला लोग 10,000 था, अभी मात्र 3 बचा है। कहा गया सर, सभी लोग जाके जीवर पहन लिया। और एक बाबा बताया, मेरे आश्रम में ज्ञान सुनने के लिए करीब 2-3 लाख लोग आया है, अभी कितने लोग का आता है? बगल वाला वो बूढ़ा है ना, वो लंगड़ा के आता है। और एक बूढ़ी है, वही लाठी लेके आती है। बाकी लोग कहा गया? सब गया ज्ञान की रास्ता पे, भगवान बुद्ध की रास्ता पे। हम लोग आज बहुत परेशान हो गया, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर एक बात किया, सबसे ज्यादा खतरनाक एक बांते जी है, मोगल्लाना बांते जी, सबसे खतरनाक। वो सभी लोग अपनी की ओर आकर्षित कर लेता है। कैसे? वो देवलोक में जाता है, जाकर के देवताओं से बातचीत करके धरती पर आता है, आकर के सभी लोगों को बताता है, तुम लोग भी ऐसा पुण्य करो, ऐसे धर्म अपनाओ, तुम लोग भी देवलोक में जा सकता है, देवलोक में भी जाकर ध्यान कर सकता है, सुखी से जी सकता है। तो कौन नहीं चाहता देवलोक में जाना? सभी लोग उनका रास्ता पे जाने लगा,
सबसे खतरनाक ये मोगल अनुबंध जी है। फिर अंत में उन लोग बातचीत किया, हम लोग क्या करें, मोगल अनुबंध जी को अगर हटा दिया तो बहुत लाभ होगा, भगवान बुद्ध को मारना मुश्किल है, लेकिन मोगल अनुबंध जी को तो मार सकता है, उसको हम लोग मार देंगे, रास्ता से हटा देंगे, हमारा कल्याण होगा। इसके बाद उन लोग के पास पैसा भी है ये, तो उन लोग क्या किया, पैसा दे दिया गुंडा लोगों को, 500 बहुत खतरनाक चोर लोग था, आतंकवादी माओवादी, उन आतंकवादी लोगों को बहुत पैसा दिया, देख के बताया वो जा रहा है ना रास्ता पे, वो है मोगल्लान, उसको खत्म कर दो, उसको खत्म कर दिया तो और तुम लोग को आधा धन मिलेगा। उन लोग को क्या 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 बात है, सब खुश हो गया, आतंकवादी सब पता है, सिंपल है, हम लोग खत्म कर देंगे, आप लोग चिंता मत करिए, अभी प्लान कर रहा है। वो कहाँ रहता है बताया, राजगीर में एक पहाड़ है, उस पहाड़ के नीचे कालशिला नाम का एक गुफा है, उस गुफा में वो बंते जी है, तो क्या हुआ, राजगीर में उस कालशिला गुफा में मोगल अनुबंध जी ध्यान करते समय कोई कोई आतंकवादी लोग रास्ता पे देखभाल किया, आ गया तो काट दूंगा कोई भी, कोई कोई लोग गुफा को घेर लिया, जो मारना उन लोग तलवार लेकर के दरवाजे के पास आया, मोगल अनुबंध जी ध्यान में थे, देखा कोई मारने के लिए आ गया, एक छोटा सा छेद था, उसी छेद से निकल के भाग गया, छोटा सा छेद था उसमें से भाग गया, कैसे, वो तो रिद्धिमान है, रिद्धि बल है, कुछ भी कर सकता है। इसके बाद और प्लान किया, कैसे भाग गया, अभी अंदर हम देखे दरवाजा के छेद से हम आंख डाल के देखे, बैठे हुए थे, दरवाजा तोड़ के देखा है ही नहीं, ये कहां गया। फिर उन लोग चर्चा किया, बताया और एक बार जाके देखो, कुछ दिन जाने के बाद और एक बार आया, घेर लिया पूरे गुफा को, घेरने के बाद मोगल अनुबंध जी देख लिया, देखने के बाद गुफा का ऊपर से निकल के भाग गया, चल गया, कोई नहीं देखा, तोड़ के देखा, अरे अभी तुरंत कुछ आधा घंटा पहले गुफा के अंदर घुसा हुआ बंते जी को क्या हुआ, नहीं नहीं छोड़ूंगा नहीं, इतना सारा धन हम लोग को मिल रहा है, कैसे छोड़े, और कभी ना कभी एक दिन आएंगे, पूरा प्लान करके तीसरी बार भी पूरा गुफा को घेर लिया। घेरने के बाद मोगल अनुबंध जी सोच रहे थे, ये गुंडा लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आता है, आंख बंद करके देखा, मेरा पिछले जन्म का एक पाप है, मैंने बहुत पहले एक पाप किया, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। उसी दिन गुफा से नहीं भागा, गुंडा लोग अंदर आया, आके बड़ा एक डांटा लेकर के सिर पे मारते ही मोगल अनुबंध जी एक संकल्प लिया, भगवान बुद्ध को दर्शन करने के बाद ही मेरा मृत्यु होगा, लेकिन इससे पहले मेरा मृत्यु नहीं हो, ऐसे करके क्या किया, दृढ़ संकल्प लिया। उन लोग क्या किया, पूरा डांटा लेकर के मार दिया, और एक बड़ा पत्थर लेकर के, अब बंते जी नीचे गिरा हुआ है, बड़ा एक पत्थर लेके छाती पे गिरा दिया,
और एक बड़ा पत्थर दो को उठा के लेकर के सिर पे मार दिया, पूरा चुरा गया, पूरा सिर, पूरे हाथ, चावल चुराता है ना वैसा हो गया पूरा शरीर, मांस इधर उधर पिका हुआ है, सब हड्डी हड्डी तक, पूरे ऊपर से नीचे तक। डांटा से पहले मार दिया इसको, बड़ा बड़ा पत्थर लेके हर जगह मार दिया, पूरा चुरा दिया, किसी को पता नहीं चलता ये क्या है, लगता है कोई जानवर को चुरा दिया है। फिर उन लोग चल गया, जाने के बाद मुग्धलान बांते जी अपना सारे मांस इकट्ठा करके फिर खड़ा हो गया, फिर प्रकृति शरीर पा लिया, पाकर के भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध उस समय थे राजगीर में, राजगीर में वेलवन में जा करके बताया, तथागत अभी हमको जीने का शक्ति नहीं है, पिछले जन्म का एक पाप का फल मेरे पीछे पीछे आ गया, तो अभी हमको परिनिर्वाण के लिए अनुमति दे दीजिए। भगवान बुद्ध ने बताया, मेरे दिल में जो जन्म लिया एक पुत्र का मृत्यु हो रहा है, ऐसे मृत्यु नहीं होना है, जाकर के आसमान में बैठ के सबको एक बार ज्ञान बता दीजिए, ज्ञान बता के परिनिर्वाण हो जाइए। फिर मोगलन बनते जी आसमान में गया, बहुत रिद्धि दिखाया, दिखाने के बाद बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया, क्या है ये प्रकाश, अरे मोगलन बनते जी आसमान में है। सभी लोग आके बैठने के बाद मोगलन बनते जी प्रवचन दिया, चार आर्य सत्य ज्ञान बताया, संसार का स्वभाव बताया, बता के सबको आशीर्वाद करके कालशिला पर्वत है उसी पर्वत के ऊपर जाके सो गया, उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु कहता है परिनिर्वाण। परिनिर्वाण होने के बाद सभी बांते लोग बातचीत करने लगा, बहुत आश्चर्य है, सभी लोग रोने लगा, सभी लोग रोने लगा। राजगीर का राजा था अजातशत्रु राजा, अजातशत्रु राजा का बहुत अपसेट, इतना अच्छा बांते जी, इनको कौन ने से किया। इसके बाद पूरे भारत में हर जगह सभी लोगों का दिल में दुख आ गया, हम लोगों को ज्ञान बताने वाले मेन बांते जी को कौन तो हत्या किया। अजासत राजा गुस्सा आया, अजासत राजा ने क्या किया, सीआईडी को भेज दिया हर जगह, खोज लो छोड़ो मत। एक बार वो आतंकवादी लोग दुकान में, शराब की दुकान में दारू पी रहा था, दारू पीते समय दोनों का आपस में लड़ाई होने लगा, लड़ाई होते समय एक बोल दिया, तू नहीं जानता है मैं कौन हूं, हाँ हाँ जानते जानते तू तो लफंगा लोंडा है, हाँ उसी दिन जो मोगलान को मार दिया ना वैसा तुमको भी मार दूंगा, चुरा दूंगा तुम्हारा भी शरीर को, नशा में है, हाँ तुम्हारे पास सिर्फ ताकत है, उसका हाथ पैर मैंने तोड़ा तुम्हारा नहीं तोड़ूंगा। उसी प्रकार ऐसे करके दोनों में लड़ाई होने लगा, निकल गया सारे बात, पकड़ा गया, पकड़ के पूछता क्या, 500 आतंकवादी लोग को पकड़ा गया, काल कोठरी में डाल दिया। इसके बाद उन लोग से पूछताछ करने के बाद मेन आतंकवादी पकड़ा गया, उससे पूछताछ करने के बाद सारे दूसरे धर्म के बाबा लोग भी पकड़ा गया, सभी लोगों को दंड दिया। इसके बाद भगवान बुद्ध के पास आकर के बनते लोग ये बात बताया, भगवान बुद्ध ने बताया ये बात सही है, लेकिन ये मोगलान बहुत पहले एक जन्म में किया हुआ पाप पीछे पीछे आ गया है। वो क्या पाप है बताया, वाराणसी में एक घर है, उसी घर में बुढ़ा मम्मी पापा है, दोनों अंधा है,
दोनों को सेवा करने के लिए एक बेटा है। बहुत प्यार से सेवा करने लगा, तो मम्मी पापा ने बताया तुम शादी करो, ये सुना नहीं, बताया हम नहीं शादी करेंगे, बहुत परेशान, हम आप दोनों को सेवा करके रहना चाहते हैं। मम्मी पापा जबरदस्त एक लड़की से शादी करवाया। शादी करवाने के बाद कुछ दिन तक ये लड़की मम्मी पापा दोनों को सेवा किया। सेवा करके कुछ दिन जाने के बाद बहुत परेशान करने लगा मम्मी पापा को। बेटा जाता है काम करने के लिए, जाते समय सारे कपड़े देता है बूढ़ी मम्मी पापा को धोने के लिए, सब करके बेटा आते समय सारे बर्तन इधर उधर फेंक देता है, पूरा गंदा करता है। गंदा करके बेटा घर में घुसने से पहले आगे जाके, देखिए आपका मम्मी पापा मुझे क्या किया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया, मुझे गाली दिया, आपका मम्मी पापा दोनों पूरा बर्तन इधर उधर फेंक दिया, खाना फेंक दिया, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे करके बार बार चुगली करने लगा। रोज रोज चुगली सुनते सुनते बेटा का मन में आ गया, क्या टेंशन देते हैं बुढ़िया मम्मी पापा, तो बूढ़ा है तो बूढ़ा जैसा रहना चाहिए। रोज चुगली सुनेगा तो विश्वास हो जाता है ना। तो बाद में बेटा का मन में भी गुस्सा आया मम्मी पापा के प्रति, लेकिन मम्मी पापा चुप, कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलता है? परिवार में झगड़ा हो गया तो कोई मुश्किल से शादी करवाया। फिर बताया और रोज चुगली करते, एक दिन बताया अभी तुमको दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, या तो फिर मम्मी पापा चुन लो या मुझको चुन लो। अच्छा उस समय बहुत सुंदर एक लड़का मुझसे शादी करने के लिए आया, बहुत अच्छा रिश्ता था, उसका घर में मम्मी पापा भी नहीं, आराम से उसके साथ जी सकता था, फिर वो मुझको इनकार कर दिया है। अगर वो उससे उसी दिन उसके साथ शादी हो गया तो आज तुम्हारे साथ इतना दुख नहीं भोगना है, बेकार के हम यहाँ पे आ गया। देवी शांति से रहो ना, हम लोग कुछ करेंगे, कुछ करेंगे कब, क्या करेंगे, इतना बर्दाश्त किया है तो तुम भी बताओ क्या करेंगे। बुढ़िया को, दोनों बुढ़ा बुढ़ी को हटा देंगे जीवन से, जंगल है ना, जंगल के उधर ले जा, कुछ कर देंगे उस दोनों को, उन दोनों को। ठीक है तुम, लेकिन तुम अच्छा से रहो ना, हम तुमको तो प्यार करते हैं। कहाँ मुझे प्यार करता है, तू तो बूढ़ा बूढ़ी को प्यार करता है। नहीं नहीं मैं, मुझे भी टेंशन नहीं बूढ़ा बूढ़ी दोनों से, तो ठीक है हम उन दोनों को लेके चलेंगे। अंत में मम्मी पापा को मारने का निर्णय लिया। क्या किया, उन दोनों रात पे मम्मी पापा को बैठा के जा रहा था कहीं रिश्तेदारों के जहां जाने के लिए, एक जंगल की रास्ता था, जंगल की रास्ता पे जाते समय उन्होंने बताया माँ पिताजी थोड़ा सा रुक जाइए, इधर शायद कोई चोर लोग आने का संकेत है, आप तो अंधे हैं, आप लोग कुछ करेगा नहीं, हम लोग नुक के आएंगे, आप लोग रात पे बैठ के चलते रहिए। इसके बाद क्या हुआ, उन लोग जंगल में जाकर पत्थर भर भर के रथ का आगे साइड में रख दिया। मम्मी पापा सोचा है तो चोर लोग पक्का है, क्यों दोनों को दिखाई नहीं देता है तो चोर लोग के, अरे चोर जी हमें माफ कर दो, हमको मत मारो, हम लोग बूढ़े हैं। उन लोग चुपचाप पत्थर इकट्ठा करके दोनों मार दिया मम्मी पापा को, पूरा रो रो के चिल्ला चिल्ला, कैसे लगेगा पत्थर पे मार के चुराने पूरा शरीर, कितना दर्दनाक है, कितना दुख मिलता है। दोनों मम्मी पापा मर गया। मरने के बाद खुशी हंसी से दोनों घर आ गया, हाँ अब टेंशन खत्म, आप कोई परेशान नहीं, भगवान हम पे दया किया, भगवान दोनों को उठा लिया, हम भी दोनों को उठा दिया, ऐसे करके खुशी से दोनों जीवन बिताने लगा। बीमार पड़ गया, मर गया, मर के नरक में जन्म लिया,
भगवान बुद्ध जी ने बताया नरक में जाकर के जन्म लेकर के कितना साल तक, करोड़ों साल तक जलते रहा। मम्मी पापा को मारने के लिए कितना टाइम लगा? आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा नहीं, आधा घंटा लग गया होगा। नरक में कितना समय दुख भोगना पड़ा? लाखों साल, करोड़ों साल, फिर भी पाप खत्म नहीं हुआ। भगवान बुद्ध ने बताया इन दोनों बहुत जन्मों जन्म में कैसे मर गया, दूसरा लोग मार मार के इन लोगों को शरीर छूर दिया। बहुत जन्मों जन्म में, कम से कम हजारों जन्मों जन्म में इन दोनों को शरीर चुरा दिया। इन दोनों का शरीर कौन, कोई ना कोई आकर के चूर देता है मार मार के। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया अंतिम जन्म में वो लड़का बहुत पुण्यवान था, रिद्धिमान मोगल्लान अरहंत बन गए, फिर भी पाप का कर्म खत्म नहीं हुआ, इसीलिए वो गुंडा लोग आकर के पूरा शरीर को चुरा दिया। इसीलिए याद रखिए कोई भी पाप करेगा तो कभी नहीं बच सकता है। दिक्कत क्या है, वो इस जन्म में दुख खत्म होगा तो चलेगा, अगले जन्म जन्म तक आते रहता है। कभी कभी आप लोगों को घाटा होते रहता है, कभी आप लोगों को दुख मिलते रहता है, कभी कभी घर में सिर्फ आप ही डांट सुनते हैं, कभी कभी स्कूल में कितना भी अच्छा करे आपको ही घाटा है, कभी कभी आपका ही चीज कोई चोरी करता है, कभी कभी आप घर में सब स्वस्थ है आप बीमार है, अलग अलग प्रकार की परेशानी होता है ना, उसके पीछे पीछे पिछले जन्म का कहानी है, सत्य कथा है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा प्यार आपको मिलता है और कभी घर में सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलता है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कथा है। अगर भगवान बुद्ध है तो साथ में कुछ बता देंगे। तो भगवान बुद्ध एक सुंदर गाथा बताते हैं, हम बोलने के बाद बोलिए। यो दंडेन अदंडेषु अपदुठेषु दुस्सति दसन्न मन्यतरं ठानं क्षिप्रमेव निगच्छति। उसमें बताया संत लोगों को या तो फिर माँ एवं पिताजी को कोई परेशान किया तो, अपमान किया तो, दुख दिया तो, उसके पीछे पीछे ये 10 कारण आ जाता है, यानी कि 10 प्रकार की दुख उसको मिल जाता है। देखिए क्या है, वेदनं परुसं जानि शरीरस्य च भेदनं गरुकं वापि आबाधं चित्तक्षेपं पापुने। पहला है शरीर में खतरनाक दर्द उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है ना, अभी भी हमको दिखाई देता है, मतलब वर्तमान में मम्मी पापा को परेशान करने वाले, संतलों को परेशान करने वाले लोगों का शरीर में बहुत प्रकार की बीमार आ जाता है, दर्द देता है शरीर, फिर टूट जाता है उसका हाथ पैर। दूसरा, तीसरा है खतरनाक बीमार उसको धर लेना है। चौथा, दिमाग पागल हो जाता है, मन पागला जाता है। पहला क्या है, शरीर में बहुत दर्द उत्पन्न हो जाता है। दूसरा,
हाथ पैर टूट जाता है, तीसरा खतरनाक बीमार आ जाता है, चौथा मन पागल हो जाता है, पांचवा उसको सरकार से दंड मिल जाता है। राजा का सरकार है तो राजा से मिलता है, अगर ये सरकार है तो राज्य सरकार से उसको दंड मिल जाता है, या तो फांसी लग जाएगा या तो फिर उसको जेल में जीवन भर कैद हो जाएगा ऐसा। छठा बिना गलत किए हुए खतरनाक अपराध में फंस जाता है, गलत किया ही नहीं लेकिन कहीं ना कहीं वो जाते समय या घूमते समय दूसरे लोग किया हुआ अपराध में वो फंस जाता है। कौन? जो संत लोगों को एवं माँ पिताजी को दुख देता है, दुष्ट मन से परेशान करते रहता है। अभी कितना बताया? सातवां है अपना रिश्तेदार लोग उसको छोड़ देता है। पहला क्या बताया? शरीर में खतरनाक दर्द उत्पन्न होता है, दूसरा हाथ पैर टूट जाता है, तीसरा खतरनाक भयानक रोग बीमार पकड़ लेता है, चौथा मन पागल हो जाता है, पांचवा राज्य सरकार से राजा से दंड मिल जाता है निरंतर कोई ना कोई काम पे, छठा खतरनाक अपराध में वो फंस जाता है, सातवां रिश्तेदार लोग उसको छोड़ देता है, आठवां धन संपत्ति नष्ट हो जाता है, घर द्वार धन संपत्ति उसका नष्ट हो जाता है, नौवां अपना घर द्वार आग से जलने का खतरा है, अपना घर द्वार शरीर भी शायद जल सकता है आग से, दसवां वो अज्ञानी व्यक्ति मरने के बाद नरक में जन्म लेता है। ये दसवां है, दस में से नौ को कब मिलेगा? इस जन्म से मिलने का खतरा है, अगले जन्म में भी मिलेगा। वो लड़का को मिल गया, लड़की को मिल गया, चोर लोग को मिल गया, बाबा लोग को भी मिल गया, है ना। इसलिए याद रखिए कभी भी ज्ञानी संत लोगों को अपमान मत करिए, और अपना माँ पिताजी को कभी भी अपमान मत करिए। तो सोचिए अपमान करने से, दुख देने से, परेशान करने से इतना दुख भोगना पड़ गया, दस प्रकार की परेशान भुगतना पड़ जाएगा, तो संत लोगों को और माँ पिताजी को इज्जत सत्कार सम्मान करेगा तो, प्यार करेगा तो, सेवा करेगा तो कितना कल्याण होगा। इसीलिए याद रखिए कोई कोई बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है ना, उसके पीछे कारण क्या है? या तो फिर उस संत लोग को अपमान किया, या तो फिर मम्मी पापा को परेशान किया। कभी कभी कोई कोई बच्चा लोग मम्मी पापा को मारता है ना, ज्यादा समय ठीक तो नहीं है, वापस आ जाता है। आप लोग मम्मी पापा आपका है, लेकिन उन दोनों के साथ संभाल के काम करना, ये मजाक बात नहीं है। इसीलिए मैंने बताया आप लोगों को ज्ञान सीखने के लिए संडे स्कूल आप लोग का पुण्य से मिला है। अगर ये ज्ञान आप लोग नहीं सुना है तो आप लोग मम्मी पापा को डांटने में डर लगेगा, परेशान करने में डर लगेगा, कोई लोग संत लोग को अपमान करते समय आप लोग भी सपोर्ट करेगा, लेकिन अभी आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग जान गए हैं इसका खतरा। इसलिए आप लोग भी ज्ञान बताने वाले साधु संत को इज्जत सत्कार सम्मान करिए, और आपको जन्म दिए, आपको पाले पोषे उन दोनों माँ एवं पिताजी को इज्जत सत्कार सम्मान करिए, जरूर आपका जीवन कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन सुखी में हो जाएगा।
तो उसके लिए आप लोग भाग के मिल जाए। साधु साधु साधु।